से हमारे साथ क्या होगा। अभी पंचायत चयन की एक छोटी सी किताब में कहानी पढ़ रहे थे, कोई बुद्धमी मध्यान करके थी, एक अच्छे ही बुरी रहा वादर नाम बटे बुद्धि मनियाई। आज के वादर परिवार अच्छे किंतु आज के वादर परिवार के चाकरी ना की करे बात। ये बीड़ी पत्ता, बीड़ी किस पत्ता से बनता है? बीड़ी उसी पत्ता को बेचने का काम करता है उसका परिवार। और जिन लोगों का एक बित्ता जमीन नहीं गया है, जय मानव से एक बित्ता जमीन पहुंचे जमे न जाए वारा और ये तो सिस्टम है हमारे झारखंड का। आज आप चले जाइए चिरकुंडा, कुमार डूबी, पंचायत डैम, माथेर, जहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं, जमीन किसका है? झारखंडी का है। हम लोग जमीन दिए हैं, हमारा जमीन दिए थी, किंतु आज के आमादर लोग कोई खाने में अच्छे क्या अच्छे न बंगाल लोग, बिहार लोग, गुजरात लोग, तो कि हमारा ये जोड़ने जमीन दिए थे इसीलिए दिए हैं। अच्छा भाषणवादी जल्दी पूछ, आज आप बताइए अगर आज हम लोग नहीं लड़ते हैं, आज अगर संघर्ष नहीं करते हैं, तो मान के चलिए हमारा लाइफ तो कट गया है किसी तरह। हम लोग का तो लाइफ, यहाँ जितने लोग आए हैं दादूरा दादूरा ऐसे छे मोटा मोटी 50 साल 60 साल उनका हो चुका है, लेकिन ये जो बच्चा लोग आगे बैठा है छोटा छोटा ये छिला रहा यही बोला, इनका 10 साल बाद 15 साल बाद में लोग बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? कभी आखिर बात बताइए, एक माता पिता का जिम्मेवारी क्या है कि खाली बच्चा को जन्म दे दिया काम हो गया? माँ पिता का क्या नियम है कि बच्चा को जन्म दे दिए और काम हो गया? नहीं, उसको अच्छे से पढ़ाना है, बालिग से उसको नाबालिग से उसको बालिग तक लेके जाना है, उसका घर बसाना है। जब उसका घर परिवार बसेगा तब आप बोलेंगे बेटा अब तुम देखो। तो उसी के लिए हमारी लड़ाई है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे कि नहीं, कहां से करेंगे? आज सरकारी स्कूल का कहानी देखिए, पहले हमारे जो बच्चे थे चाहे हम लोग जिस समय छोटा थे, हमारा जबान बालकाल अवस्था, हमारा स्लेट लिए स्कूल जाए, स्लेट लिए जाए ना, सुबह स्कूल जाए ना, स्लेट लिए हमारा स्कूल जाए, किंतु आजुर कालू चला गया प्लेट लिए स्कूल जाए। एटर माने कि ना आपको पढ़ने नहीं देगा तो फिर नौकरी कैसे करेंगे? अरे स्लेट लेके जाते थे तो कम से कम पढ़ते थे तो है? सरकार का रोड, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, कुकुर का पोंछ, माने को पढ़ते तो थे, स्लेट में पढ़ते तो थे ना, तो वो अभी प्लेट लेके जा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं और बाट भैया ने दौड़ के मौन मैदान करके दिन भर ऐसे खत्म। आज सरकारी स्कूल तो यही कहानी है, आप जितना भी मिडिल स्कूल है, जितना भी प्राइमरी स्कूल है जाके देखिए, बच्चा लोग सर एक नंबर, सर दो नंबर, सारा पीरियड खत्म। जितना पढ़ाई का पीरियड होता है, सारा पढ़ाई का घंटी जो होता है सब खत्म हो गया। जो बच्चा था वो लाइन में खत्म हो गया, खिचड़ी का लाइन में। यानी ये लोग बहुत चालाकी के साथ झारखंड को बर्बाद किया, बहुत चालाकी के साथ। जब झारखंड अलग राज्य बना, ये लोग बहुत चालाकी किया कि यहाँ के लोगों को बर्बाद कैसे करना था। कहे कि जानते थे कि झारखंड में खनिज है, कोयला है, चूना है, लोहा है, अभ्रक है, यहाँ चारों तरफ कीमती खजाना है। झारखंड का पेड़ में, पहाड़ में, गजार में, झोर में, पतार में, हर जगह खजाना है। तो भाई इस राज्य को अगर लूटना है तो लोगों को बेवकूफ बनाना होगा। तो लोगों को अगर बेवकूफ बनाना है तो सबसे पहले उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं देना। आप क्योंकि ये पढ़ा लिखा क्षेत्र है, गोविंदपुर का क्षेत्र है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बगल में बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज है। जो लोग 2011 में इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा दी हम उसी साल का है, हम भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से 2011 में इंटर ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा को पास किए हैं। उस साल रिजल्ट क्या था बताया आपको? 28%। मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, एक बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूं जो आज तक किसी लीडर ने आपको नहीं बताया। चूंकि इसमें 28%, एक साल पहले रिजल्ट था 30% और उसका एक साल बाद रिजल्ट था 38%, 30, 28, 38, यानी एवरेज रिजल्ट क्या था 10 साल में 30-35%। इसका मतलब क्या पता है कि 100 में 30 को बच्चा पास करता है, 100 में मात्र 30 बच्चा पास करता है, ये साइंस का रिजल्ट है।
पूरा झारखंड में एक ही वो लड़का था जो 400 नंबर लेके आया था। अब मान के चलिए यदि झारखंड का कोई बेटा चाहेगा कि हम बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, कैसे बनेगा? इंजीनियर के लिए आपको बढ़िया कॉलेज जाना होगा, डीयू जाना होगा, जेएनयू जाना होगा, वहाँ 95% 97% कट ऑफ चाहिए, आपका 80% नहीं। विधायक किस प्रकार इन लोग यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था को डैमेज किया। वही लड़का को एक साल बाद आप सीबीएसई में दिला दीजिए, सीबीएसई बोर्ड में उसी बच्चा को बैठाइए जो पास नहीं कर पाया था, वो 75-80% लेके आएगा, उसी बच्चा को बैठाइए। यानी झारखंड बोर्ड ही क्यों टारगेट में, झारखंड बोर्ड ही क्यों था ना, झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले मैक्सिमम झारखंडी। सीबीएसई में आज भी जाके देखिए, यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दून पब्लिक स्कूल है, कॉर्नेल है, राजकमल है, चिन्मया है, डीएबी है, परसेंटेज जाके देखिए कई वो झारखंडी है। आपका गांव के गांव में कई को बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, डीएबी में, डीनोबली में, चिन्मया में, कई को बच्चा है। अगर 100 का परिवार है 10 घर है, यानी 90 का बच्चा आपका जैक बोर्ड में पढ़ता है, और वो 90 का बच्चा जो बाहर का है वो बड़ा बड़ा डीनोबली या डीएबी में पढ़ता है। यानी आप लोग 9वां क्लास या 10वां क्लास में कोई इतिहास का चैप्टर होगा तुम्हारा सवाई पाठ पड़े छे, फ्रांस और वियतनाम की कहानी होगी। फ्रांस और वियतनाम, वियतनाम भी एक देश है, फ्रांस भी एक देश है। वियतनाम के बच्चों को फेल किया जाता था, वियतनाम के बच्चों को इसलिए फेल किया जाता था ताकि जब वो बड़ा होंगे और नौकरी में बैठेंगे तो फ्रांस के बच्चों का टक्कर नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार इन लोग क्या किया, जानबूझ के जो झारखंड की व्यवस्था थी उसको जानबूझ के फेल किया गया, जानबूझ के परसेंटेज कम दिया गया ताकि ये लोग पढ़ेगा नहीं, जब पढ़ेगा नहीं तो इंजीनियर वकील बनेगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब ये पढ़ाई नहीं करेगा तो जितना सीएमडी आएगा, जितना जीएम आएगा सब बंगाल से, जितना भी आज कंपनी में जीएम आया है सब बंगाल से। कहे झारखंड में आपको उस योग्य बंदे ही नहीं दिया, आप उतनी ऊंची पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए जानबूझ के जब से ये झारखंड राज्य बना है तब से यहाँ के लोगों के अधिकार को हमेशा लूटने का काम, छीनने का काम आज भी किया जा रहा है। इसलिए जो लड़ाई है आज के, जब रोज ऐ खाने वे खाने जाएंगे सभा करे लोग, जितने भी लोग हैं उनके तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, इसका कारण यही है कि आज अगर आप आंखों को नहीं खोलते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक दिन ऐसा अंधेरा छाएगा जो शायद फिर कभी उजाला नहीं आएगा। आज धनबाद आपको दिखता होगा, यहाँ से तुम्हारा धनबाद जाए ना, गुरुवार करने तो जाए, आज आपको धनबाद दिखता होगा या आप धनबाद जाते हैं। एक बात बताइए, धनबाद में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना, एक झारखंडी के पास एक भी नहीं है, सारा लूट लिया, सारा जमीन, सारा खेत खलिहान बारी झारी सब लूट लिया है। तो इसलिए आज अगर आप सचेत नहीं होते हैं, आज अगर आप मजबूती के साथ आंदोलन नहीं करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, तो ये झारखंड है, यहाँ चारों तरफ खनिज का भर मतलब मिनरल्स पड़ा हुआ है, कोई कंपनी कभी भी आ सकती है और आपको अपने जमीन से बेदखल कर सकती है। झारखंड राज्य का निर्माण एक आदिवासी राज्य के रूप में किया गया था, किया गया है बल्कि, तो फिर जब ये आदिवासी राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया तो यह राज्य आज तक 371 की सूची में क्यों नहीं? भारत के संविधान आर्टिकल 371 में विशेष राज्य का प्रावधान है, लेकिन आज तक विशेष राज्य का प्रावधान में इसको नहीं जोड़ा गया क्योंकि हमारे संसद कभी बात को रखे नहीं, ना कभी दिल्ली को यह जरूरत लगा कि इस राज्य के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली को हमेशा लगा कि यहां से लूटकर अपना दिल्ली का खजाना उठाना। आज बताइए एमपीएल हजारों हजार एकड़ जमीन किसका? झारखंड का, चाहे संथाल रहे, गोराय रहे, कुर्मी रहे, मंडल रहे, हरिजन रहे या स्वर्ण रहे, जमीन किसका? झारखंडी का। माथन पंचायत आइए, जमीन किसका? झारखंडी का। एफसीआई सिंधी चले जाइए, जमीन किसका? झारखंडी का। और सांसद कौन बनेगा? पीएन सिंह। और आप बोलते इंसाफ होगा, कैसे इंसाफ? उसका बाप का एक इतना जमीन
धनबाद जिला के किसी परियोजना में नहीं गया है, आप उसको नेता बनाएंगे और बोलेंगे विस्थापितों के दर्द को रखेगा दिल्ली में, कहे रखेगा, क्यों रखेगा? रामगढ़ विधायक जी जो बताइए ना, पीएम सिंह का जो माननीय पीएम सिंह यहाँ के सांसद है, किसी फैक्ट्री में, किसी डैम में, किसी रोड में एक बित्ता जमीन गया है, तो जय मानुष एक बित्ता जमीन नहीं जाए तो भाई वो आपका बात क्यों रखेगा? और आप उनको चरण धोते हैं, जयकारा लगाते हैं, 15 साल से सांसद के पद पर आप काबिज किए हैं और आप उम्मीद करते हैं एमपीएल में इंसाफ मिले, आप उम्मीद करते हैं एफसीआई में इंसाफ मिले। आज एक बात स्पष्ट कहेंगे, आज यदि झारखंड के लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, नहीं समझेंगे, तो आने वाले 20 सालों में याद रखिएगा आप यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएंगे झारखंड के लोग, क्योंकि ये सिंदरी है ना, सिंदरी विधानसभा है ना, आपको एक बात बता रहे हैं, सिंदरी विधानसभा में 18,000 क्वार्टर का आवंटन किया गया है। बाहर के लोग तो सिंदरी में ही है, गोविंदपुर में आप तो जमीन बेचिए रहे, बेचिए बेचिए, 20 साल बाद पता चलेगा, जब 2 से 4, 4 से 8 होगा तब पता चलेगा जमीन का वैल्यू क्या है। सिंदरी विधानसभा में 18,000 नया क्वार्टर बनाया, आवंटन किया है, वहां झरिया का विस्थापित लोग को लाके बसाया जाएगा। झरिया माने क्या? गैर झारखंडी। झरिया माने जहां झारखंडी नहीं है, वहां 18,000 क्वार्टर है, यदि एक क्वार्टर में 5 लोग रहेगा, 18×5=90,000, यानी एगो विधायक खत्म, एगो विधायक खत्म, यानी आने वाले 10 सालों में यदि सिंदरी के लोग लोकल विधायक हो जाएंगे, चाहे जो भी रहे, जो भी रहे, मातो रहे, मुस्लिम रहे, मांझी रहे, कुर्मी रहे, मंडल रहे, जो भी रहे, लोकल रहता था, चाहे मन्नू आलम कैंडिडेट रहे, फुलचांद मंडल रहे, इंद्रजीत मातो रहे, चाहे कोई रहे, लोकल कैंडिडेट रहते थे, चाहे आनंद बाबू रहे, लेकिन 10 साल बाद यहाँ ऐसा प्लानिंग किया गया है। क्यों प्लानिंग किया गया है कि सिंदरी है, क्यों मैं उन लोग उसी क्षेत्र को बाहरी लोग टारगेट करता है जहाँ पैसा कमाने का जरिया रहता है। टुंडी को टारगेट कहा नहीं किया, हम टुंडी से आते हैं, टुंडी और तो चाची को कहा नहीं टारगेट किया, वहां बॉन है, गाजाड़ है, खेत जाएगा, वो लोग टारगेट कहा किया, झरिया। आज झरिया में एक भी लोकल है कि नहीं पता नहीं ढंग से। आप लोग देखा कि सिंदरी में बहुत सारा आप विकल्प है पैसा कमाने का, एफसीआई 8500 करोड़ लेके आई, हर्ल 8500 करोड़ का इन्वेस्ट लेके आई है, अब शुरू हो गया इन लोग का कारना, जहां रोजगार, जहां पैसा, जहां नौकरी, तहां बारी। झारखंड के आदमी की चाहिए ना बेरा डोबल बाद दारू चाहिए, झारखंड के मानुष के बेरा डोबल बाद दारू चाहिए और अपनी के विधानसभा चाहिए, यही हम में और उनमें अंतर है। शाम हुआ ना मुर्गा दारू चाहिए, आधे हमारे काको पियो ना जुमा आने के लिए जाता, जुमा रहा ना की काको, झारखंड का आदमी को क्या चाहिए? दारू चाहिए, और उनको क्या चाहिए? विधानसभा चाहिए, क्योंकि झरिया में आपका विधायक नहीं बनेगा, झरिया में आपका विधायक नहीं बनेगा, धनबाद में जहां राज सिन्हा जीतता है वहां भी आपका विधायक नहीं बनेगा, अब यदि सिंदरी में भी आपका विधायक नहीं बनेगा, बताइए आपका क्या हासिल होगा? 6 विधायक धनबाद जिला से बन के जाते हैं, अब सिंदरी में भी बाहर का विधायक बनने लगेगा, झरिया में तो बनिए रहा है, धनबाद में बनिए रहा है, बागमारा 50-50 में है, इसलिए बागमारा का विधायक बड़ी होश में बोलते हैं, बागमारा का विधायक को कभी सुनिएगा क्या बोलते हैं 1932 में, बोले सरकार जानेगा, हम क्या जानते हैं, तो पता है कि 50-50 में वोट खड़ा है, बागमारा खत्म, 10 साल में बागमारा, अगला 10 साल में सिंदरी। अब बताइए जब हमारे पास विधायक ही नहीं रहेगा, बक्सर का राज सिन्हा विधायक, बलिया का पीएन सिंह सांसद, तो हमारे और आपके दर्द को दिल्ली में कोई रखेगा? आप बताइए क्या संभव है? पॉसिबल है कि जे लोग के लिए हमारे लागत लगते ही ना, जे मानुष के लिए हमारे लागे ही ना, सेल्फ के लिए दिल्ली और रांची हमारे बात लगते, अगर हम की करबे, बस एक गावे लेके अपन का ढोर रो खो पी या जिंदगी खत्म। बोलो तो बोला 2 मिनट आज, अब तो सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, गांव घर में अगो सड़क उड़क आवो है, सड़क गली नली आवो है, लेकिन ऊपर से पहले अगर ठीका में हुआ है, ठीका में हुआ है ना,
ठीक है दादी, ऐसे सड़क नहीं बनता है, टेंडर होता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि अब गांव में भी जो सड़क बन रहा है उसका टेंडर यूपी बिहार का आदमी ले रहा है। बकायदा पेपर में छपा था कि गांव में भी जो टेंडर, अरे आप नगर निगम का टेंडर मांग रहे क्या? वहां गर्दन मोड़ लेगा, लेकिन नगर निगम में झारखंडी को टेंडर नहीं मिलेगा। नगर निगम का टेंडर मांग रहे क्या? हम गांव का टेंडर बोल रहे हैं, सड़क का, पीसीसी सड़क का जो टेंडर आता है, हेवी मैन टेंडर बिहारी और यूपी और बंगाली का होता है। झारखंड को चारों तरफ से कमजोर बना के रखा गया है। इसलिए आज करबद्ध विनती करने आए हैं कि 2024 में आप शासन को बदलिए, प्रशासन को बदलने का और कंपनी को उसके औकात में रखने का जिम्मा हमारा हो। और अभी तक रखे हैं, ऐसा बात नहीं है। जीएम के ऑफिस में जब भी मीटिंग के लिए जाते हैं, हम जब नहीं जाते हैं तो जीएम आराम से मीटिंग करता है। जैसे ही हमारा एंट्री होता है, पुलिस प्रशासन की संख्या बढ़ जाता है। जब हम लोग कुछ नहीं है, हमें एक वार्ड सदस्य ना आए से जीएम के कपड़े रखे थे, तो यदि हम लोग एक दो विधायक एक आध को सांसद बना दीजिएगा ना, तो दिल्ली से राजधानी को हिला के रख देंगे। ये वचन देते जीएम तो छोड़िए, आप पुलिस का अधिकारी लोग बोलते हैं नहीं सर, वो लाइट में भी कुछ भी बोल देता है। वो बोकारो में बोले थे ना, बोकारो में मीटिंग हो रहा था, तो बोला कि नहीं नहीं नौकरी नहीं देंगे। हम बोले नौकरी नहीं, अभी यहाँ डीसी के बहुत नौकरी करो, अगर बकम जमीन गलो की